दोस्तों, रिमांड क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। कैसे रिमांड प्राप्त किया जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि रिमांड कहते किसको है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद यदि 24 घंटे में उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र तैयार करके उसके साथ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, वह विवेचना में समय लगेगा, तो न्यायालय में अभियुक्त को पेश करते समय न्यायालय से उसे न्यायिक या पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के आदेश की प्रार्थना की जाती है। यह अभिरक्षा में रखने का आदेश रिमांड कहलाता है। न्यायालय यदि जमानत नहीं देता है या पुलिस रिमांड पर नहीं देता है तो न्यायिक रिमांड पर जेल भेजेगा। पुलिस द्वारा अभियुक्त का रिमांड कब प्राप्त किया जा सकता है? जब किसी अभियोग में गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध धारा 57 दंड प्रक्रिया संहिता में नियत 24 घंटे के अंदर विवेचना को पूरा नहीं किया जा सकता और अभियोग का आधार मजबूत है, तो थाने का भार साधक अधिकारी या विवेचक उस अभियुक्त को रिमांड प्राप्त करने के लिए निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और मामले में संबंधित केस डायरी की प्रविष्टियों को प्रतिलिपि भी भेजेगा। रिमांड की अवधि क्या होगी? वह न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके पास यह अभियुक्त भेजा गया है, चाहे उसे मामले में विचारण की अधिकारिता हो या न हो, अभियुक्त को ऐसी अभिरक्षा में जैसा वह ठीक समझे 15 दिन तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है। यदि उस मजिस्ट्रेट को मामले की विचारण या विचारण के लिए सुपुर्द करने का अधिकारिता नहीं है और अभियुक्त को और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है, तो वह अभियुक्त को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दे सकता है। परंतु मजिस्ट्रेट अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा के अलावा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में प्राधिकृत कर सकता है, जब उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है। परंतु कोई भी मजिस्ट्रेट 90 दिन से अधिक का निरोध उन अपराधों में प्राधिकृत नहीं करेगा जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल से कम दंड का प्रावधान नहीं। 60 दिन से अधिक का निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा जहां विवेचना अन्य अपराधों से संबंधित है, अर्थात 90 दिन तक रिमांड उन दशाओं में प्राप्त किया जा सकता है जिसमें 10 साल या उसके ऊपर की सजाएं है, अन्यथा 60 दिवस का रिमांड प्राप्त होगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड दिया जाना है। यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है तो नजदीक के किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाए जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त हों। ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी प्रकार की अभिरक्षा के निरोध का आदेश 7 दिन के लिए कर सकता है। रिमांड प्राप्त करने में सावधानियां। प्रत्येक बार रिमांड विवेचक द्वारा कारणों सहित मांगा जाएगा। रिमांड की निश्चित अधिकतम अवधि के भीतर यदि विवेचना समाप्त नहीं की जाती है तो और अधिक रिमांड प्राप्त नहीं होगा और अभियुक्त जमानत पाने का हकदार हो जाएगा। चार्जशीट देने या अभियुक्त को जमानत होने के बाद रिमांड लेना बंद कर दिया जाता है। अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा का रिमांड प्राप्त करना। पुलिस अभिरक्षा रिमांड तभी मांगा जाएगा जब अभियुक्त को प्रथम बार मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पुलिस अभिरक्षा रिमांड मांगने के आधार लिखित रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं, केस डायरी भी पेश की जाए, अपनी रिपोर्ट में यह बताया जाए कि अभियुक्त को पुलिस रिमांड में सौंपने पर और अधिक साक्ष्य संकलित हो सकती है। पुलिस अभिरक्षा के रिमांड चोरी का माल, मृतक की लाश, हत्या का उपकरण आदि अभियुक्त की निशानदेही पर तलाश करने के लिए मिल सकता है। पुलिस रिमांड मांगने की रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी के माध्यम से उनकी संस्तुति सहित न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। पुलिस रिमांड अधिकतम 15 दिन तक ही मिल सकता है। न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्त को भी पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है। जब तक अभियुक्त की जमानत न हो जाए न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड पुलिस रिमांड में या पुलिस अभिरक्षा का रिमांड न्यायिक अभिरक्षा के रिमांड में न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। धन्यवाद।